चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इन्वेस्टेड रुपीज 2400 फॉर एक्स मंथ्स, ठीक है, ए और यहाँ पे बी भी है। 2400 जो है एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए जो भी बिजनेस है वो 100 में हो रहा है, 100 में जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे डबल जीरो को एलिमिनेट कर देंगे। तो 2400 बोला है, हम लोग सिर्फ 24 लिखेंगे, 24 और ये एक्स मंथ इंटू एक्स, ठीक है। वाइल बी इन्वेस्टेड 400 लेस अमाउंट देन ए, यानी कि 24 अगर ए इन्वेस्ट किया है तो बी कितना करेगा, 20, वो भी कितना साल, कितना मंथ के लिए, x प्लस टू मंथ के लिए, x प्लस टू मंथ, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम दोनों को वहां पे मल्टीप्लाई कर दिए। इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 24:25, अब यही क्या हो जाएगा, 24:25 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 24 ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना, 5 × 20 और ये हो गया 5, यानी कि ये कितना हो गया 5x, 5x का वैल्यू जो हो जाएगा 4x प्लस 8, दैट मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मंथ्स। हाँ, ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 8 मंथ्स, दिस इज द आंसर, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रुपीज x प्लस 200 कितना है, x प्लस 200 व्हेन इन्वेस्टेड एट 25% पर एनम, 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, और ये भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 25 × 6 कितना होता है 150, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 150%, ठीक है। गिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2x माइनस 300, यानी कि यहां पे हो गया ये 150% ऑफ x प्लस 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 300, 2x माइनस 300, ठीक है। यहां पे मुझे एक इक्वेशन मिला इस तरह से। नेक्स्ट, द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द सेम सम इज इन्वेस्टेड एट 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years कैन बी, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years कैन बी, ठीक है। अब यहां पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years आर टू क्या होता है, अब देखिए क्या लिखेंगे, 50% प्लस 50% प्लस 50 × 50/100%, ठीक है। यहां पे कितना हो गया 1, 2 और ये 25, दैट मींस 125%। 2 साल में आपको जो मिलेगा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 125%, ठीक है। यानी कि आपको जो यहां पे चाहिए
125% तो इंटरेस्ट मिला और 100% 100% आपको क्या मिलेगा, 100% प्रिंसिपल, यानी कि 225% का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि अमाउंट विल बी 225% ऑफ किसका, x प्लस 200, x प्लस 200, यानी कि आपको इसका वैल्यू चाहिए 225% ऑफ x प्लस 200, ठीक है। यहां से तो x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 150% मतलब कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 3/2, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/2, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 4x माइनस 600 इज इक्वल टू 3x प्लस 600, दैट मींस यहां पे x का वैल्यू जो हो जाएगा 1200, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, ठीक है, x का वैल्यू 1200। और यहां पे अगर हम लोग पुट कर दिए 1200, ये 1400 हो जाएगा ना, यानी कि 225%, 200 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं रेशियो वैल्यू, और 25% क्या लिखते हैं, 1/4, दैट मींस 9/4, 9/4 इनटू 1400, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 350, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 0, 9 × 5 = 45 का 5 = 4, और 9 × 3 = 27 और 4 = 31, 3150 रुपया आपका आया यहाँ पे अमाउंट। अब ऑप्शन टेस्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है 3150 देगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए x प्लस 1800, x प्लस 1800, देखिए x का वैल्यू 1200 है और प्लस 1800, वो कभी 3150 नहीं देगा, 12 18 कितना होता है 30, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी 4x माइनस 650, 4x माइनस 650 तो बचो 4800 और माइनस 600, ये अप्रोक्स में 4000 के करीब है, ये भी नहीं होने वाला है, आपको 3150 चाहिए। 2x प्लस 300, सी 2x प्लस 300 तो यहाँ पे कितना, 12 × 2 = 24 और 3 × 27, ये भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 3x माइनस 450, डी 3x माइनस 450, 12 × 3 = 36 और माइनस 450, 3150 दे देगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। और ऑप्शन लास्ट में जो दिया है 39, यानी आंसर कौन सा हो गया, डी। तो इस तरह से इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, ए इज टू बी 3:4, the sum of present ages of B and C is 40 years, यानी कि B plus C का वैल्यू जो दिया है 40 दिया है, यहां से आप बोल सकते हैं C का जो वैल्यू हो गया 40 माइनस B, B कितना है 4 रेशियो है, यानी कि आप यहां पर बोल सकते हैं 40 माइनस 4 रेशियो, ठीक है। इफ द एज ऑफ ए 6 इयर्स अगो, ए का एज 6 साल पहले कितना होगा,
3:-6. If the age of a 6 years ago from now was 25% less than 25% less मतलब कितना हो गया 3/4 3/4 25% less than present age of C. C का जो present age है वो यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ये 10-1:1 ठीक है. Then find the present age of B. B का present age क्या होगा देखिए ये 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3:-6 तो यहाँ पे कितना 30-3:6 कितना 36 तो 1:1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 ठीक है. तो आपसे जो पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ बी बी का जो प्रेजेंट एज हो गया 4:6 24 years दिस इज द आंसर ओके. चल यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 25% above its cost price ठीक है. ये हो गया सीपी एसपी और ये हो गया एमआरपी 25% मार्क किया गया है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्क किया गया है ठीक है 25% प्लस. If the article is then sold after giving a discount of 450 रुपया अगर आर्टिकल पे 450 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 450 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है ठीक है such that there is a loss of 31.25% तो यहां पे लॉस हो जा रहा है लॉस परसेंट कितना है 31.25% 31.25% का आपका जो रेशियो वैल्यू होता है 5/16 ठीक है. यानी कि 16 को कॉस्ट प्राइस पकड़ेंगे हम लोग 16:1 कॉस्ट प्राइस फिर एमआरपी कितना हो जाएगा 20:16 और 4 20:20 ठीक है. चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा लॉस परसेंट जो दिया हुआ है 31.25% दैट मींस 5/16 तो 16 जो है सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 जो है लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है. यानी कि सीपी कितना है 16:1 है तो 5:1 क्या है लॉस है. अब वो आर्टिकल को कितना 450 रुपए डिस्काउंट में सेल करता है दैट मींस 20:-450 इज इक्वल टू उसको लॉस हो जाता है कितने का 31.25% तो यहां से एसपी कितना हो जाएगा 16-5 11:1 ये कितना हो गया 11:1 ठीक है. यहां पे 9:1 का वैल्यू कितना हो गया 450 9:1 का वैल्यू कितना हो गया 450 9 और ये 5 यानी कि 1:1 का वैल्यू हो गया 50 ठीक है. अब यहां पे बोल रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 20:1 है 20×50 कितना 1000 दिस इज द आंसर ठीक है. चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए स्कोर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 52 ठीक है. मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x1+x2+...xn तक उसका अरिथमेटिक मीन कितना है 52 है तो समेशन कितना हो जाएगा 52×n ठीक है. अब यहाँ पे बोल रहा है कि द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम
secured a mean score of 80, ठीक है। अब परसेंटेज बोला है तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लिए, एज्यूम कर लिए 100, एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब 100 का 20% कितना होता है 20, और उसका जो है एवरेज स्कोर है कितना 80, ठीक है। एंड द डलेस्ट 25%, दैट मींस 25% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 25, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 31, तो बोल रहा है कि रेस्ट जो 55% है उसका जो एवरेज आपको अप्रोक्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, नंबर का हम लोग सबका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे कितना 4, 5, यहां पे 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 80, 5 × 31 एंड 11m, ये समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 11 और 5, 16 और 4, 20 इक्वल कितना हो जाएगा 52, क्योंकि टोटल का एवरेज दिया हुआ है कितना दिया है 52 दिया हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51.4, दिस इज द आंसर, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।